हाँ जी दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं रात को गोवा पहुंच गया था। रात को मैं बीच पे गया बीच पार्टी के लिए और एक दो बियर का आनंद लेने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी वीडियो हिंदी में रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो का आनंद ले सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस बहुत देखी। मेरे दूसरे चैनल को 70,000 व्यू का अवार्ड मिला है। आप सभी का थैंक यू, और मुझे उम्मीद है आप इस चैनल को भी उतना ही प्यार दोगे। थैंक यू दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम अभी गोवा की रोड्स पर हैं। ये सड़कें बहुत ही प्यारी हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी पंजाब से आया हूँ। पंजाब में मिट्टी का कलर कुछ और होता है और यहाँ पर गोवा में रेड कलर की मिट्टी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको चारों तरफ सिर्फ कोकोनट के ट्रीज ही मिलेंगे देखने को, जो कि बहुत ही लोकेशन को चार चांद लगा देते हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, जो हम यहाँ पे आला दुआला अपना देखते हैं, जो ना अराउंडिंग एरिया देखते हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन हमारे सामने आती हैं। बाकी यहाँ पे या जो अपना मौसम है बहुत गर्म रहता है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला रहता है, सो पसीना आता रहता है। वैसे तो मैंने DSLR से प्लान किया था शूट करने का, लेकिन मैं आपको मोबाइल से ही अपने आईफोन से सारे शूट का आनंद दूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे, तो मैंने सोचा आपको मॉर्निंग में बीच का आनंद दिया जाए कि बीच पे क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम लोग कैसे जॉगिंग वगैरह करते हैं और कितना अच्छा व्यू होता है बीच का। मेरे पास DSLR है, लेकिन DSLR से कोई फ़ोटो नहीं सॉरी आपको शेयर कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी मॉइस्चर इतना हो जाता है कि इसके लेंस पे भाप जैसे फॉग होती है वो जम जाती है, तो फोटो इससे कोई अच्छी नहीं आई थी। तो बाकी जी तुम देख सकते हो ना, मैं अपना इस टाइम हैगा बीच के उपर ना, इतने बहुत वधिया मौसम है यार, तो इन्ना ठंडा ठंडा। पर एक चीज़ दसा तुम, आप मान लो कैमरे के फोटो नहीं खिंच सकते है ना, कैमरे के जो आप मतलब कि लेंज देखते हैं ना, कैमरे के लेंज के उत्ते सलाब जी आ जाती है, तो सलाब करके भी आप कह सकते हैं भी फोटो अपनी वधिया गल जी नहीं बनती है ना। जिवें तुसीं देख सकते हो मेरे मुँह से माड़ा माड़ा ना पसीना जा गया होगा, इहदा कारण यही है भी जिहड़ा अपना इत्थे हैगा ना ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा है, जिहनूं आप मॉइस्चर कह सकते हैं, नमी कह सकते हैं, वो इत्थे काफ़ी ज़्यादा आ। तो बाकी जी इंजॉय करो है ना, अगे दी उसनूं वीडियो नूं एंजॉय करो, बाकी आगे दी वीडियो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पहुँचने के बाद बीच पे थोड़ी सी मॉडलिंग करने की कोशिश की है, एक छोटी सी कोशिश, जो कि चलो अच्छा इसका रिजल्ट रहा, बहुत अच्छी शानदार वीडियो है मैंने कैप्चर की है, जो बीच के किनारे जैसे मॉर्निंग में चल रहा हूँ। एक्चुअली जब हम बीच पे चलते हैं ना, तो ठंडा ठंडा पानी होता है, तो यहाँ पे गर्मी कम महसूस होती है, बहुत ही अच्छा फील होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है यार, बिल्कुल टेंशन फ्री। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये लोकेशंस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं यार, मूवी वगैरह में ऐसी लोकेशंस देखी थी, अपनी आँखों से देखने में मुझे बहुत ही आनंद आया। जैसे देख सकते हैं ये चक्के हैं, जो तांगे के चक्के होते हैं ना, तो यार बड़ी ही अच्छी लोकेशन है यार, है ना। लेकिन यहाँ पे कपड़े हैं जो मिट्टी से बहुत है ना भर जाते हैं, तो बाद में मिट्टी मिट्टी हो जाती है, जैसे मेरे फ़ोन में कैमरा में सभी जगह मिट्टी जमा हो गई थी। तो उसके बाद चल के दोस्तों हम शाम को एक क्लब में गए, सारा दिन एंजॉय करने के बाद वो क्लब में जाकर आपको दिखाता हूँ उसका क्या नतीजा रहा। सबसे पहले आपको ये अलर्ट भी करना चाहूँगा कि आप गोवा में जाओ यार, अपना एंजॉय करो, लेकिन यार आप कभी भी ऐसे काम मत करना जिसकी वजह से आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। जैसे कि आप इन लोगों को देख सकते हैं, मुझे इन लोगों को देख के बहुत तरस आया भी, आप यहाँ पे एंजॉय करने आए हो यार, इन झंझटों में पड़ने की आपको क्या ज़रूरत है। एक तो अपना मूड ख़राब होता है, ठीक है, ऊपर से किसी से झगड़ा होता है ना, तो हम यहाँ पे स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, एंजॉय तो फिर रहते ही नहीं है। सबसे पहले यार दोस्तों अपना एंजॉय करो, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हो तो फैमिली के साथ एंजॉय करो, अगर सोलो आए हो तो सोलो ही एंजॉय कर लो, ऐसी बातों का कोई बेनिफिट नहीं होता है। फिर मैंने दोस्तों अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखिए। दोस्तों एक ट्रैजेडी हो गई थी, वो ट्रैजेडी मैं थोड़ा अगले ब्लॉग च मतलब कहना मतलब अगले ब्लॉग च नहीं, थोड़ा जहा टाइम रुक के दस दाँगा। एक्चुअली बहुत ही भैड़ी गल हो गई थी,
जे तुम दसागा मेरे तो एक्चुअली सारा साणी रुक रहा ना गल सोच के भी सारी गल की हो गई थी पर मैं तुम्हें जल्दी दस दागा ना थोड़ा जहा वेट करो तुम तो संयम बड़ा ही रखो तुम्हें मैं गल जरूर दस दा भी चक्कर एक्चुअली होया कि एक लाड़ो साहब भी जो मैं दस ही दिना गा है ना दो जने सैड से ने एक्चुअली गल की हो जाती है मैं थोड़ा सारे राय दूंगा पंजाब दे विच ना ये राय बहुत कम आती है जे मान लो आप चार जने का ग्रुप आ चार जने के ग्रुप के बच्चों जा तो सारे बंदे दारू पीते हो कोई भी ना मतलब सोफी हो ना फिर बहुत बड़ा कोऑर्डिनेट हों बहुत वधिया हों इंजॉय करा पर एक बंदा सोफी हो जिमें तुम मेरे पिछे देख सकते हो मैं थोड़ा पूरी उन्हें दसूँगा सोफी हो पर चक्कर पै जाता गल का ता करके थोड़ा जहा कहना मतलब कि गल बिंगा हो जाता कम है ना तो उम्मीद जिमें अपने नाल चक्कर पै चुकया जी चीज़ मैं थोड़े न शेयर कर रहा है ना तो यही चीज़ मैं दसदा आपके पल बन लो ये मेरी गल एक्सपीरियंस की हुई गल एक बार नहीं घट्टो घट पांच छे बार मैं एक्सपीरियंस की है चीज़ छेवीं सत्तवीं बार एक्सपीरियंस करने तो बाद मैं थोड़े ना शेयर कर रहा भी प्लीज़ इदा का ग्रुप ना रखो भी अपने ना कोई बंदा सोफी हो जो सोफी हो कह दो भी भरावा रोटी खा ला तो दूर आप सौ जाके साढ़े को बैठना क्योंकि पीती दे पता बंदा गड़बड़ हो जाती है तो बंदे यह जे रखो जिन्हें आपस बनती हो ठीक है जे थोड़ा बहुत भी किसी फर्क हो वो गल फर्क वाली रह नहीं होंगी मुड़ के चक्कर होर पै जाता तो एक्चुअली मैं गल थोनू यही समझाने चाह रहा उदों की भी कहना मतलब जिमें अपना कितने ग्रुप जाता है ना वो एक ग्रुप हों जो एक ग्रुप की तरह ही होवें ना हो भी वह बंद की सोच उधर जाती है एक की उत्तर एक दक्षण एक पूर्व एक पछम जाती हो तो ये चीज़ हैगी अपना बाकी आ चीज़ पर ध्यान दौ है ना तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाकी आगे के ब्लॉग्स मैं आपको ऐसे ही दिखाता रहूँगा और आपको पूरी इंडिया का टूर कराऊँगा।